विकास की बोला था कि सरकारी कर्मचारी करेंगे, छोटा अभी तक निकला नहीं है, उसको एक वोट नहीं देंगे हम। यानी कि अपने बन गया, कुर्सी ले लिया, अब तो भूल गया, ले लिया हम लोग का भुला गया, छोटा निकल नहीं रहा है नीतीश और तेजस्वी। हम लोग का ऐसा किया, पीएम बनेंगे बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री क्या बनेगा, उसका बार सदस्य तक नहीं बनेगा, वो चोटवा निकल नहीं रहा है उसको, और नहीं मोदी। देखिए ये दर्द है, आपने कुछ किया तो आशा 90 लाख आशा है और इतना परिवार उसको कितना है, इस बार नहीं अगर कुछ किया तो कुर्सी से उतरना है। आप कहाँ से आए बताइए, सरकार कुछ कर ही नहीं रहा है तो नाली पे बैठा है या कूड़ा पे बैठा है, बैठने के लिए तो तैयार है। जिंदगी नरक बना दिया, जिंदगी नरक बना दिया है हम लोगों को, बच्चा हमारा तो बनाया है बच्चा, कभी भी बिगाड़ दिया है, उसका बच्चा MBS बने और हम लोगों का बच्चा के लिए खाली पेट रहता है, दूसरे के बच्चा के सुधारने के लिए हम लोग अपना बच्चा खुद छोड़ कर जाते हैं। कहा जाता है लड़ाई आसान नहीं है, अभी हम गर्दनी बाग में है और गर्दनी बाग में हजारों हजार की संख्या में बिहार की आशा दीदी आई हुई है अपनी मांग को लेकर। हम इसलिए बोले कि लड़ाई आसान नहीं है, देख लीजिए ये नाली है और नाली के किनारे देख लीजिए कितनी महिलाएं सोई हुई है, कोई शौक से ये महिलाएं नालियों के किनारे नहीं बैठी हुई है, ये गर्दनी बाग में आई है बिहार सरकार से अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि आशा दीदी काम तो करती है मन इनको वेतन नहीं दिया जाता है, इनका कहना है कि कम से कम हमें 10,000 रुपए वेतन दिया जाए। हालांकि जब तेजस्वी यादव जी डिप्टी CM नहीं थे तो उन्होंने बोला था कि हम आपको सरकारी दर्जा देंगे, मगर आशा दीदी का हालत वही बना हुआ है, फिलहाल तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी CM है। फिर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोई टेम्स नदी नहीं है, ये कोई गंगा नदी नहीं है, नाली है, गटर है और गटर के किनारे तमाम महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई है सरकार से अपने हक लेने के लिए। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहा जाता है कि आधा अधिकार नारियों को दिया जाता है, जब वेतन की बात आती है पुरुषों को जहां 30,000-30,000 रुपए सैलरी दिया जाता है वहीं महिलाओं को बधुआ मजदूर बनाया जाता है, लगता है जैसे कोई खैरात का पाला हुआ है, बेरोजगारी का आलम इतना है, ये महिलाएं पूरे बिहार को संभालती है, इनका कहना है कि हमने पोलियो को खत्म कर दिया, ये महिलाएं उन महिलाओं के घर पे जाती है डाटा इकट्ठा करती है जिससे बिहार का भविष्य बदले, मगर जो महिलाएं बिहार का भविष्य बता रही है, जो डाटा और सर्वे में हिस्सा लेती है, वही महिलाएं आज बद से बदतर है। उन्हीं महिलाओं से हम बात करेंगे, आखिर इनकी क्या मजबूरी है कि पूरे बिहार के तमाम जिलों से आज गर्दनी बाग में आए हुए, आइए उन्हीं से पूछेंगे। कहाँ से आई हैं? कैमूर जिला से। कैमूर क्यों आ गई यहाँ से, इतना दूर से यहाँ? हम लोग कुछ काम करते हैं, कोई लाभ हम लोग को नहीं मिलता है इसीलिए। कितना दिन से काम कर रही है? 2005 से है हम लोग। 5 से आप आशा दीदी? 2005 से है। बाकी हम लोग के कमीशन बाजी नहीं चाहिए, हम लोग के मानदेय के रूप में सरकारी कर्मचारी घोषित चाहिए। यानी भीख तो, भीख हम नहीं चाहिए? नहीं, भीख का हम नहीं जिएंगे। हाँ। भीख पर मेरा बच्चा नहीं पलेगा। क्या जसपी यादव का बच्चा भीख पर पलता है? वोट मांगने के मेरी बहन बोलते हैं और देने के मेरे भाई का हक नहीं निभा सकते है? जो हम लोग के कोरोना में काल में हम लोग के घर घर काज करवाए, आप हमको आधार कार्ड देने में हिचकिचाते। यानी कोरोना काल में जब सब डर से अपना घर में लुक रहा था, मरने के लिए आपको आगे कर दिया? हम लोग के आगे कर दिया, हम लोग शहीद करने के लिए, शहीद हो गया। एक सीमा पर बॉर्डर पर जैसे लड़ते हैं फौजी, वैसे हम लोग लड़े हुए हैं, आज देने के पारी आए तो बिन में लुका गया, कैसा भाई क्या होगा, हम लोग एक नहीं है। नीतीश बाबू बोलते हैं महिलाओं की सरकार है, महिलाओं का वो दम भरते हैं, क्या लग रहा है महिलाओं के साथ वो इंसाफ कर रहे हैं? नहीं, इंसाफ नहीं कर रहे हैं ना, दादागिरी कर रहे हैं, घुसखोरी कर रहे हैं, वो जानते हैं कि कमीशन बाजी पर कटेंगे, हम लोग भले उसको इस्तीफा देंगे कमीशन बाजी पर। लोग देखिए ये नया आंदोलन नहीं कर रहे, लगातार कर रहे हैं, लगातार अपने अपने जिलों में भी बैठे हुए थे, पर सरकार सुन नहीं रही है, काहे? बहरी सरकार है ना, एकदम बहरी हो गई है, वो इस जगह उसको माँ बाहर रहते थे उसको। अब तो ये नाली के किनारे सब आशा दीदी बैठी हुई है और जितने भी लोग हैं सरकारी, जो जितने भी लोग हैं सब तो AC में हैं। सरकार को तो शर्म लगना चाहिए कि नाली किनारे बैठा दिए महिलाओं को अपने AC चैम्बर में बैठे हुए। देख लीजिए हम भी यहीं पे बैठ के बात करते, काहे बैठ गए नाली किनारे? जगह नहीं है तो क्या करेंगे,
हम लोग के लिए दौरे नहीं है कहीं। हम लोग के लिए सरकार कुछ कर ही नहीं रहा है, तो नाली पे बैठा है या कूड़ा पे बैठा है, बैठने के लिए तो तैयार है। जिंदगी नरक बना दिया, जिंदगी नरक बना दिया है हम लोग को। बच्चा हमारा तो बनाया है बच्चा, कभी भी फीस बिगाड़ दिया है। उसका बच्चा MBS बने और हम लोगों का बच्चा के लिए खाली पेट रहता है। दूसरे के बच्चा के सुधारने के लिए हम लोग अपना बच्चा खुद छोड़ कर जाते हैं रात में। यार क्या मांगे, कितना वेतन आप चाहते हैं? हमको 1,000 नहीं चाहिए, 10,000 मानदेय चाहिए, पक्की नौकरी। सर लग रहा है 1,000 आपको भीख के रूप में दिया जाता है? भीख है, 1,000 भीख है। आपके स्वाभिमान को हर महीना कुचला जाता है? हाँ, कुचला जाता है। हम लोगों के स्वाभिमान को हर महीना कुचला। आशा की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कर्मचारी नीचे से लेकर ऊपर तक कोई वैल्यू नहीं है आशा की। मरीन ड्राइव नहीं नीतीश बाबू, असली ड्राइव यही है गर्दनी बाग में, यही गटर, यही है बिहार की हकीकत। आप तमाम जितने भी लोग बोल दीजिए आप CM बनने का, PM बनने का ख्वाब देखते हैं, मगर बिहार का स्थिति देख लीजिए। जी क्या बोलना चाह रहे चाची बताइए। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे यहाँ पर नली के पास हम लोग बैठे हैं, वही नली समझ लीजिए कि गांव में भी है। गांव में गांव का नली साफ किए और हम लोग आके नली के पास बैठ गए। गांव में जाते हैं, बहनी ऑपरेशन कराओगी, दीदी डिलीवरी कराओगी। बिहार का भविष्य का चिंता आपको है? हम लोग का चिंता रहता है, बच्चों को पकड़ के ले जाएंगे। उनके भी मिलता है कि काम में मिलता है, मानपुर प्रखंड के हैं, मिलता है। केस करेंगे, जेल भेजेंगे, तुल्ला का पानी का बौछार मारेंगे। कोई कोई नेता आकर के हम लोग का भड़काता है, यानी कि जो नेता वोट के समय में साड़ी बांटता है, मुर्गा भात बांटता है, काम हो जाता है धमकियों देता है, धमकी देता है। आई साला चोटवा बोला था, तेजस्वी बोला था कि सरकारी कर्मचारी करेंगे, वो चोटवा अभी तक निकला नहीं है, उसको एक वोट नहीं देंगे हम। यानी कि अपने बन गया कुर्सी ले लिया, आपको भूल गया, ले लिया हम लोग का, भुला गया। चोटवा निकल नहीं रहा है नीतीश और तेजस्वी हम लोग का, ऐसा किया। चाची आप कितना दिन से हैं? हम 2005 से बहाल हैं। बता दीजिए बद से बदतर जिंदगी, मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर में कमी लाए, टीकाकरण दिन हम लोग का चिंता नहीं, गांव वाला नहीं चिंता था। उस समय में हम लोग उन लोग का फुसला फुसला के टीकाकरण करवाए, आज तक यहाँ तक स्वास्थ्य विभाग के अथी बना दिए साफ है। उस समय में गंदा रहता था। बिहार को आप लोग बना रहे हैं मगर आप लोग का भविष्य नरक बन गया, नरक बन गया है। नीतीश जी छोड़ना नहीं है, नीतीश जी PM बनेंगे बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री क्या बनेगा, उसका बार सदस्य तक नहीं बनेगा, वो चोटवा निकल नहीं रहा है उसको। और नहीं मोदी, देखिए ये दर्द है, आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो महिला इतनी गुस्से में है ये भड़ास निकल रहा है, क्योंकि लग रहा है कहीं न कहीं हम थक रहे हैं। सरकार से लड़ना है, प्रशासन से लड़ना है। 60 साल का उम्र हो जाएगा हम लोग का, कोई बेटा पुतोह मानेगा चिल्लेगा ये चोटवा मान नहीं रहा है, आए हम लोग क्या करेंगे? अंत में हम लोग मच्छी मारेंगे, हम लोग का कोई पूछेगा नहीं। अभी सास मेहनत लड़ती है कि तुम कितना कमाती हो, कि रात और दिन जाती हो, और रात दिन जा करके तुम कितना पैसा लाती हो, जो कि अपना बच्चा छोड़ देते हैं और दूसरा को बच्चा को स्वस्थ मनाते हैं। ये दर्द है महिलाओं का, यही दर्द हम दिखाने के लिए आए थे कि ये दर्द को आप समझिए, किस तरह से महिलाएं, ये जो महिला इनका दर्द बयां कर रहे हैं। आप कहाँ से आई है बताइए? सिंहवाड़ा प्रखंड से है। हम लोग के इतना मांग के लिए तो ये तैयारी है तेजस्वी, रहने के लिए आशा के को PSC पर व्यवस्था दिया है, यानी कि रहने का भी व्यवस्था नहीं, नहीं है रहने की व्यवस्था नहीं है। जाने के बाद डॉक्टर से लेकर के NM सारा स्टाफ विमानता को अभी लिए है ना, अभी जो गोट गुप लड़ाई लड़ रहा है आशा के, ममता तक के दर्जा आशा को नहीं देती है, इसमें गोट गुप वाला। जब इनकी बातों को सुनिएगा ना, लगेगा कि सरकार फुटपाथ से किसी को उठाता है, बोलता है कि तुम मेरा बधुआ मजदूर हो और तुम काम करो, यानी कि इसको किसी भी तरह का कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं है। एक जी जी बोलिए, चैनल नहीं दिया है, इतना ही चोटवा जो दबा करके रख ले है, मीडिया को भी मैनिपुलेट करता है। एक बात आपको बता देते हैं, जैसी बिहार पर खबर चलेगा आप लोग देखिएगा, और नीतीश बाबू को भी टैग जरूर करेंगे ट्विटर पे कि आप देखेंगे नहीं चोटवा के, एकदम नहीं छोड़ेंगे। गुस्से में है दीदी, आपका क्या कहना है, क्या बोलिएगा? पूरा गुस्सा में है 2005 साल से। कुर्सी से उतारेंगे उसको, अगर नहीं कुछ किया तो। आशा 90 लाख आशा है और इतना परिवार उसको कितना है, इस बार नहीं अगर कुछ किया तो कुर्सी से उतरना है। आप कहाँ से आए बताइए? सिंगारा ही प्रखंड से आए, अगर उनको कुर्सी का इज्जत रखना है तो हम लोग का मान दे। यहाँ देख लीजिए नाली पे सब बैठा हुआ आशा दीदी, अच्छा लगता है? हम लोग का इज्जत नहीं, कहीं नहीं इज्जत है, न तो सरकार के घर में घर एक छोरे, न बाहर एक छोरा, कहीं नहीं छोरा, रोड पे लाके खड़ा कर दिया हम लोग।
कहीं न घर के है न घाट के है न इधर है न उधर है, बीच में हम लोग को सड़क पर छोड़ दिया है लेकिन लबारिश के तरह। देखिए महिलाओं को काम करना आसान नहीं है, घर में इतना टेंशन होता है, परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद जाके बिहार की महिलाएं काम कर पाती है, ऊपर से दुनिया जहान का टेंशन है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये नाला की तरफ, हम सिर्फ आपको नाला के किनारे ही दिखाएंगे कि आशा दीदी बैठ गई, अब सांप काटेगा, बिच्छा काटेगा, क्या काटेगा इसका कोई पता नहीं है। हाँ बोलिए दीदी। तब मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। कब से दीदी काम कर रही है? 2007 से। आप 2007 से, कुछ तरक्की उड़की हुआ? नहीं हुआ है, कैसे होगा, देता है नहीं सरकार तो कैसे होगा। ये तेजस्वी यादव तो बोले थे सरकारी कर्मचारी का दर्जा होगा, ये मरता आ रहे थे पटना, उस मरता बोला था कि कर्मचारी का दर्जा देंगे, मगर नहीं अभी तक दिया है, तो क्या करेंगे हम। एक बार बोला कि हम कर्मचारी का दर्जा देंगे, आप लोग का बोले तो वेतन बढ़ाएंगे 5,000 का महीना, मगर बोल के सो गया है। और इस बार तो हम लोग उसको घर किए हम लोग। एक मजदूरी करने आता था 500 रुपया दिन लेता है, 10 बजे आता है 4 बजे जाता है, जाने के बाद वो भी चाय देते हैं, नाश्ता देते हैं, खा करके जाता है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मगर जितने भी आशा हम सारा कुछ दिखा दिए, अब थोड़ा आप बोल दीजिए क्या कर रही हैं, आखिर आप लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल पाता? न्याय क्यों, सिर्फ हम लोगों से काम 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 बहाली किया गया कि सिर्फ प्रसव और बच्चे की देखभाल के लिए, प्रसव और महिला के लिए, इसके बाद धीरे धीरे 52 काम है, यानी कि 52 काम दे दिया, मगर 52 को पनसैया नहीं निकाल सका। निकाला 52 पनसैया में निकलता तो हम लोग का स्थिति रहता, हम लोग रोड पर निकल गए है, बहू बेटी थे घर में बैठते थे लेकिन रोड पर निकल। महिला होना आसान नहीं है, शायद सरकार को पता नहीं है कि अब महिलाओं के काम करना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, घर का भी देखिए और बाहर का भी देखिए, पूरा हम लोग का मेंटेन करके चलना होता है, लेकिन सरकार के पास दिमाग है या नहीं ये पता नहीं, उसकी माँ बहन रोड पर घूमती है, इसका औरत का दर्द है, इसको निकलता है कि बोलता है, किसी से बात नहीं लेता, सही करता है। तेजस्वी जी हम लोग, हमारा जब सरकार होगा, हमारा जब सरकार होगा तो आशा का पहला स्थान आशा को देंगे, स्वास्थ्य विभाग को देंगे, लेकिन वो अभी कहाँ है, बात करने के लिए आए हैं अभी पटना में ना है, अभी तक आए हैं, न्यूज उनको नहीं पहुंचा होगा, ऐसा तो नहीं है, बात चल रही है। इतना दिन से डिस्ट्रिक्ट में भी बैठे हुए थे, जिला भाई लेकिन वो आए नहीं हम तक ले, ऐसी सरकार को तो गिराना ही होगा, क्या करेंगे जब तक वेतन नहीं देंगे, अब हम लोग काम नहीं करेंगे। इनकी मांग साफ सुथरी है, मात्र 10,000 रुपए ये चाह रहे हैं, मात्र 10,000 रुपए, जो कर्मचारी 52 काम करे इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा, 10,000 रुपए मंथली ये चाह रहे हैं, ताकि ये अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, जो सरवाइव कर रहे हैं अच्छी तरह से जी सके। एक होता है जीना, एक होता है जिंदगी नरक के समान जीना, यह लोग वही जिंदगी जी रही है, इनका जिंदगी नरक से बेहतर हो गया, इसी यही नाली गटर की तरह इनका जिंदगी हो गया है। आप तमाम वादे कर लेते हैं, जब राजनीति सेकनी होती है उस वक्त आप बोल देते हैं हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे, जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। यही है बिहार की आशा बहनों का दर्द, आशा दीदियों का दर्द। आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि सरकार को पता चले कि बिहार में आशा दीदी आशा बहन किस स्थिति में रहती है। धन्यवाद।